हेलो दोस्तों, स्वागत है भूमि टेक के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया ट्रिक लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। दोस्तों मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक से आप 1 सेकंड में 1000 से अधिक फोल्डर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में ये कोड दे दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट है, इसको आप कॉपी करके नोटपैड में प्रिंट कर लीजिएगा। और फिर सिंपली फाइल में जाते हैं, इसको सेव कर दे रहे हैं। फाइल का नाम कोई भी दे दीजिएगा, मैं अपना नाम दे रहा हूँ, मैं अपने चैनल का नाम दे रहा हूँ, सॉरी डॉट बैट लिखना है, कोई भी नाम दे के आपको डॉट बैट लिखना है। और याद रहे दोस्तों, इस ट्रिक को कहाँ यूज करना है। दोस्तों, आप जो ट्रिक यूज कर रहे हैं, इस ट्रिक में आपको वो फोल्डर नहीं सेलेक्ट करना है जिसमें आपका इम्पोर्टेंट डेटा हो। आप कोई एक नॉर्मल फोल्डर क्रिएट कर लीजिए कहीं भी, बस इस फाइल को वहाँ पे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद बस सिंपली फाइल को रन कराना है और कुछ नहीं कराना है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूँगा, दोस्तों आपका जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है या फाइल या फोल्डर कुछ भी है, तो आप इसका पाथ कहीं और सेलेक्ट कीजिएगा, आप इसका कहीं और पाथ दीजिएगा, ना कि आप अपने फोल्डर को टारगेट करें। तो चलिए मैं एक सिंपल से डेस्कटॉप पे फोल्डर बना ले रहा हूँ। ये रहा मेरा फोल्डर बन गया, मैं फोल्डर का नाम दे रहा हूँ 777। अब फाइल को यहीं पे जाके सेव करता हूँ, बस सिंपल यहाँ पे सेव कर। सेव करने के बाद इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब बस ये 777 इसी में मेरा वो फाइल है, देखिए ये आ गया। अब मैं सिंपली इसको रन कराना है और कुछ नहीं कराना है। रन करा देंगे दोस्तों, 1 सेकंड में 1000 से अधिक फोल्डर बनके तैयार हो जाएंगे। दोस्तों चलिए मैं रन करा के दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए आपको जितना अधिक फोल्डर चाहिए इस कमांड को उतने देर तक रन होने देना है। देखिए अब काफ़ी फोल्डर्स बन चुके हैं, तो मैं इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए कितने सारे फोल्डर बन गए हैं। आप इस स्क्रिप्ट को या इस कमांड को उस फाइल या फोल्डर में टारगेट से बिल्कुल ना करें जहाँ आपका इम्पोर्टेंट डेटा है। आप एक नया फाइल या फोल्डर बना लीजिएगा, वहाँ पे इसे रन कराइएगा, चाहे तो अपने दोस्तों के या अपने किसी भी फ्रेंड के पीसी में आप जहाँ चाहें वहाँ इंस्टॉल हम कमांड को रन करा सकते हैं। बट ये ट्रिक दोस्तों, आप इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, और मेरे भूमि टेक के चैनल को दोस्तों जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।